तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबके साथ है कौन? न्यू वीडियो में खेल रहे थे डोज स्क्वाड, आए हुए थे फैक्ट्री के अंदर। अब उतरते के साथ ही गन मिल जाती है और भाई किस्मत इतनी तगड़ी कि भाई बंदे भी यहीं पर उतर जाते हैं। और भाई जब ऐसा हो जाए कि भाई आपको उतरते के साथ ही किसी ड्रॉप पे गन मिलो और भाई सामने की पूरी पूरी स्क्वाड निहत थी, तो भाई क्या ही मजा आता है। टोटल 3 बंदे डाउन कर दिए थे मैंने बिना किसी मेहनत के, जस्ट उतरा घन उठाई और भाई साहब लपेट दिए तीनों को। खैर आखिरी बंदा बचा हुआ है और उस आखिरी बंदे से जो मेरी फाइट होने वाली है ना, मतलब फाइट तो नहीं बोलेंगे, जो भी मतलब मैंने उसको मारा है फिर उसने मेरे को मारा, वो जो सीन होने वाला ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि वो बंदा नॉर्मल नहीं होता। अभी आपको पता लग जाएगा कैसे। फिलहाल लूट पे फोकस करते हैं। DP M4 का कॉम्बो उठाता तुम्हारा भाई काफ़ी दिनों बाद और निकल रहा था मैं गाड़ी लेने के लिए, लेकिन तभी नीचे की साइड से गन सुन जाते हैं और मुझे पता लगता है कि भी नीचे साइड भी बंदे हैं। तुम्हारे भाई ने मतलब जो उसको अपनी शक्तियाँ दिखाई है ना भाई साहब, मतलब बिल्कुल पागल सा हो गया होगा वो बंदा, क्योंकि देखो उसने मेरे को पहले स्पॉट किया, स्प्रे पहले डालना स्टार्ट किया और लगभग मेरे को डाउन कर देता है, लेकिन DP की जो शक्तियाँ हैं ना भाई और साथ ही तुम्हारे भाई की भी यार मतलब कम नहीं है। खैर उसको निपटाया, थोड़ा सा भी गलत लगा तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि भाई साहब खड़े खड़े मारा था वो। खैर जो भी हो, गाड़ी लेकर ड्रॉप पर पहुँचता हूँ सीधा। शुरुआत में तो मेरी सारी की सारी बुलेट्स कनेक्ट होती है, लेकिन लास्ट की जो बंदा थोड़ा सा पीछे की साइड मूव हुआ ना भाई, मतलब सारी गोलियां ही वहीं पे वेस्ट हो जाती है और बंदे ने भाई गलत ही मारा। अब उसकी शक्तियां अभी आपको मैं नॉक होने के बाद दिखाऊंगा यार, मतलब मैं तो एक बार नॉक हो लिया लेकिन उसकी शक्तियाँ नहीं दिखी, लेकिन जब वो नॉक होगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा बहुत। अब बंदा सामने ही था लेकिन तभी मेरे को ड्रॉप वाले बंदे की भी याद आती है अचानक से, और क्योंकि मेरे को पीछे की साइड से भी उसके टीममेट ने फायर दिया था, तो भाई मुझे इसी बात का मतलब अचानक से ही रियलाइज़ होता है कि कहीं वो रिवाइव ना हो जाए। फिनिश कर तो मैं फटाफट से उधर ही जा रहा था अपने टीममेट के पास। खैर टीममेट ने मतलब मेरे टीममेट ने सामने वाले बंदे को नॉक दे दिया है जिसने मेरे को नॉक दिया था। अब उस बंदे की शक्तियाँ मैं थोड़ा सा आगे जाकर दिखाता हूँ। खैर मुझे अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं था, लेकिन जैसे मैं बंदे को देखता हूँ भाई ये बंदा कतई माइकल जैक्सन बना घूम रहा है भाई, मतलब मून वॉक कर रहा है, वो भी उल्टा नहीं सीधा। तो मैं फटाफट से उसको फिनिश करता हूँ, क्योंकि भाई साहब तैर रहा था ये बंदा बिल्कुल सरफेस पे। भाई हम चलते हैं, हमें कदमों की ज़रूरत पड़ती है और वो बंदा जस्ट ग्लाइड कर रहा था। खैर इस बंदे पे फोकस करते हैं जो कि आखिरी बचा हुआ है। स्मोक करता हूँ मैं ऐसे थोड़ा बहुत अपनी मदद के लिए और मिलती भी है उससे। बंदा यहाँ पर बैठा का बैठा रहता है, इसके टीममेट्स को भी निपटाते हैं, इसको भी निपटाते और इसी के साथ पूरा का पूरा जो एरिया है क्लियर हो चुका है। लूट करता हूँ यहाँ पर सारी के सारी जी भर के, और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ आगे ड्रॉप था तो भाई मैं ड्रॉप लूटने के लिए भी आ जाता हूँ, क्योंकि बंदे मिल सकते हैं हमको इधर, और होता वैसे ही है सामने पूरी की पूरी स्क्वाड। तो बस देखो आगे क्या होता है। अभी सामने वाले बंदे करना क्या चाहते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई लगातार ही फायर करे जा रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, और हम तो भाई इधर कवर में फायर किस पे कर रहे थे। खैर थोड़ी देर बाद मैं नेट वेट करने की कोशिश करता हूँ, जितने भी नेट थे, एक ओपनिंग की कोशिश कर रहा था मैं, क्योंकि ये सामने वाले बंदे को जो पीछे घर वाला बंदा था वो थोड़ा थोड़ा कवर दे रहा था, तो आगे जाने से भी थोड़ा बहुत तुम्हारा भाई डर रहा था, लेकिन एट द एंड भाई ओपनिंग निकलती है अपनी। और अब जस्ट सामने घर में ही एक बंदा बचा हुआ है, तो बस पहुँच के उसको निपटाने की बारी थी। भाई साहब इस बंदे ने मेरे को सरप्राइज करने की कोशिश करी, और कर भी सकता था अगर ये बंदा लगातार मेरे को स्प्रे देता रहता, लेकिन भाई उसको घबराहट होती है अपने स्प्रे पे और भाई साहब वो भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि भाई वो ओपन में, लेकिन अफसोस बेचारा भाग नहीं पाता। खैर आगे AWM के फटके भी हैं, तो देखो असली मज़ा तो उन्हीं में है, तो वो फटके देख कर जाना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। खैर इस बंदे पर फोकस करते हैं, आखिरी बंदा बचा हुआ था, क्योंकि 3 बंदे लगभग मैं मार ही चुका था, तो यही आखिरी बचा हुआ था। खैर जैसे मैं थोड़ा सा क्लोज इन करता हूँ, भाई फुटस्टेप सुनना ध्यान से,
अब जिस बंदे को मैंने नॉक दिया था ना पहाड़ के ऊपर, मतलब जो सामने ही, वो बंदा भाई घिसड़ घिसड़ के इसके पास आके रिवाइव हो चुका था भाई। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे मैंने अच्छे टाइमिंग पर पुश किया और ये बंदा हेल्थ वेल्थ नहीं मार पाया, ज़्यादा रेडी नहीं हो पाया। इजीली नॉक देता हूँ और आखिरी बंदे को मैं निपटाता हूँ, और इसी के साथ एक और शानदार 1v4। तो भाई इनको निपटाने के बाद मेन जिस काम के लिए आया था भाई, ड्रॉप लूटने के लिए, क्योंकि मैंने EWM की एमो तो उठा ली थी, EWM नहीं उठाया था मैंने, तो ऑम उठाता हूँ मैं सबसे पहले जाके, और उसके बाद गौटा के सीधा आते जोन के अंदर। अब जैसे मैं इधर आता हूँ मेरा फोकस सामने इस गाड़ी पे था, लेकिन इस साइड में हमें एक बंदा मिल जाता है, और दूर वाला बंदा भी हमें स्पॉट करके भाई स्प्रे देता है, थोड़ा बहुत डैमेज वैमेज होते हैं हम। अब वो बंदा मेरे को दिख तो नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद फाइनली बंदा दिखता है मेरे को। अब उसको पता नहीं था मेरे पास हेड हो रहा है, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ उसको फट से एक हेडशॉट चिपका देता हूँ, लेकिन भाई साहब बॉडी लग जाती है यार, किस्मत ख़राब काफ़ी ज़्यादा। वो बंदा पीक वीक तो करने वाला है नहीं दोबारा, तो इस आगे वाले बंदे पे ही फोकस करता हूँ। ये बंदा धीरे धीरे करके क्लोज इन कर रहा था, जबकि इसको पता है कि भाई घर से अच्छा खासा एंगल बनेगा इसके ऊपर, और मैं यही सब सोच के खुश हो रहा था कि भाई फ्री केले बंदे के पास कवर के नाम पे तो कुछ ही नहीं, एंगल बनाऊंगा इजीली निपटा दूंगा। लेकिन भाई वो बंदा जो पानी के साथ खेलने वाला ना भाई, मतलब बस देखते जाओ, आखिरी बंदा यही होगा जिसको मैं मारूंगा। खैर भाई मेरे को तो मेरी कोशिश करनी थी, उसके लिए मैं छत पे आता हूं ताकि बंदा मतलब भाग ही ना पाए, प्रॉपर एंगल बने छत से, इसलिए मैं इधर आके बैठ जाता हूं। बाहर निकलने का वेट कर रहा था मैं उसके पानी से, फाइनली बंदा दिखता है मेरे को। और मेरी किस्मत देखो और भाई साथ ही साथ सामने वाले बंदे की भी किस्मत देखो। खैर मैं इस बात को लेकर दुखी था कि भाई वो बंदा पानी में डूब के मर जाएगा, किल विल मेरे हाथ से लगने वाला है नहीं, लेकिन भाई साहब वो बंदा था स्किल वाला, मतलब पानी के साथ खेलना उसको बहुत अच्छे से आता था कि भाई किस टाइमिंग पर अंदर जाना है, किस टाइमिंग पर बाहर निकलना है। क्योंकि वो बंदा भाई अभी मेरे को स्पॉट ही नहीं होने वाला, वो बंदा क्या करता कि लेफ्ट साइड से तैर तैर के धीरे धीरे निकल के लेफ्ट वाले ब्लॉक में जाकर बैठ जाता। भाई मेरे को पता तक नहीं लगता, मतलब देखो मैं कब से यहाँ पर उस बंदे को देख रहा हूँ बाहर निकलने का वेट करो, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि वो बंदा बच जाएगा, लेकिन उखड़ जाता सर्वाइव। अब इस वाले हेडशॉट को भाई जितने बार भाई पीछे करके देखोगे ना उतनी बार मजा आएगा, क्योंकि इस बंदे को जो मारा ना मैंने, अब ये वही बंदा था याद करो जिसको मैंने नदी के उस साइड एक बॉडी शॉट चिपकाया था। ये बंदा तब से मेरे को दिखता नहीं है, सीधा मतलब क्रॉस करके यहाँ पर आया था, तब मेरे को बंदा स्पॉट हुआ, और भाई साहब क्या ही किस्मत थी इसकी, जैसे बंदे ने कोशिश करी सीधा एक फटका पड़ता है बंदे को। अब जो भी हो, सामने वाले बंदे के पास जो कि ब्लू हाउस में था वो आखिरी बंदा था, और उसके पास थी RPG, तो मैं डायरेक्ट तो घुस नहीं सकता था, तो मैं इसकी पेटी लूटने के लिए आता हूँ उसको फिनिश करके, क्योंकि नीड्स ये थे मेरे को ताकि उस बंदे को मतलब बिना किसी मेहनत के निपटाया जा सके। लेकिन ये नीड भी प्रॉपर वेस्ट जाने वाला है, क्योंकि वो बंदा भी क्या करता है कि भाई नदी से मतलब घर से उतर के नदी में जाके घुस जाता है, और क्योंकि जोन आने वाला तो उसको पता था कि भाई उसके ऊपर सर्कल नहीं बनेगा, इसलिए बंदा पहले से ही प्लानिंग कर रहा था। तो मैं भी यहाँ पर उस बंदे को करने देता हूँ कि भाई कर तू जो कर रहा है, मेरे पास यहाँ पर अच्छा खासा व्यू है, एंगल है, आराम से तेरे को निपटाऊंगा, और मैं उसी का वेट करने लग जाता हूँ, मतलब एक अच्छे मौके का। और इजी चिकन डिनर। Play.